मौजूदा पांच राज्यों के चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने चार राज्यों में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में जहां कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभी तक टिकटों का ऐलान नहीं किया है। राजस्थान में टिकटों को लेकर कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। इसके लिए कांग्रेस ने तय किया है कि वह न सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों पर दाव लगाएगी, बल्कि जिनके खिलाफ जमीन पर पॉजिटिव फीडबैक नहीं है, उन्हें लेकर पार्टी कोई कड़ा फैसला करने में भी नहीं चूकेगी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक राजस्थान को लेकर जहां पार्टी में 15 से 25 विधायकों के टिकट करने की चर्चा है, तो वहीं दूसरी ओर 3 से 4 मंत्रियों पर भी गाज गिर सकती है। दरअसल पार्टी इस नतीजे पर अभी तक हुए विभिन्न सर्वे के फीडबैक के आधार पर पहुंची है। दरअसल पार्टी राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा को बदलना चाहती है। इसके लिए पार्टी हर कदम बेहद सोच समझ कर उठा रही। आपको बता दें, अभी तक राजस्थान को लेकर कांग्रेस में कुल 5 सर्वे हुए हैं। इनमें से 3 सर्वे सीएम अशोक गहलोत की ओर से, 1 सर्वे कांग्रेस की ओर से और 1 और सर्वे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार सुनील कानूगोलू द्वारा कराया गया है। यह सर्वे कानूगोलू की कंपनी एसोसिएशन ऑफ ब्रिटेन माइंड्स द्वारा कराया गया है। बताया जाता है कि ये सर्वे सरकार के मंत्रियों और विधायकों के कामकाज, नेताओं की इमेज, सरकार की कार्यप्रणाली, सरकार की नीतियाँ, सरकारी योजनाओं का जमीन पर प्रभाव और कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर किया गया है। इन सर्वे से निकले फीडबैक के आधार पर पार्टी खराब छवि वाले चेहरों से निजात पाने की योजना बना रही है। दरअसल पार्टी अशोक गहलोत के नाम और काम पर चुनाव में जाना चाह रही है। पार्टी मान रही है कि सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ जमीन पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ऐसे में पार्टी ने उन चेहरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है जिनके खिलाफ लोगों में नाराजगी है। पार्टी की योजना है कि इस बार नए और युवा चेहरों को मौका दिया जाए, जिससे सरकार के खिलाफ नाराजगी को कम किया जा सके। राजस्थान के टिकट को लेकर आगामी बुधवार 18 अक्टूबर को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी CEC की बैठक है, जिसमें टिकटों पर अहम मुहर लगेगी। इस बैठक के लिए सीएम अशोक गहलोत मंगलवार की देर शाम दिल्ली पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक टिकट फाइनल होने के बाद उम्मीदवारी का ऐलान दशहरा के आसपास हो सकता है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस बहुत जल्द टिकटों की उम्मीदवारी का ऐलान किए जाने के पक्ष में नहीं है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि असंतुष्टों को अपनी नाराजगी सामने लाने का ज्यादा वक्त न मिल सके। नाम ना उजागर करने की शर्त पर पार्टी के एक एक अहम रणनीतिकार का कहना था कि अगर उम्मीदवारी काफी पहले हो जाती है तो पार्टी व उम्मीदवार का काफी समय और ऊर्जा रूठों को मनाने और असंतुष्टों को मैनेज करने में लग जाता है। इसके अलावा असंतुष्ट के लिए निर्दल या दूसरे दलों में टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरकर कांग्रेस का खेल खराब कर सकते हैं।